व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड इन सिंगल फेयर। सो गाइस, अपन पहली बार फर्स्ट टाइम वो चीज़ करने जा रहे हैं लाइफ में कि अपन सिंगल फेयर पे फर्स्ट टाइम टैग जनरेटर बनाएंगे, जो अपन को बीपी मिला था पिछले एपिसोड में डंजन से। एंड गाइस, अपन फर्स्ट टाइम ईरी थेरी भी पकड़ेंगे अपना सिंगल फेयर पे। सो गाइस, देर किस वक्त, लेट्स गो, शुरू करते हैं इसका सिलसिला। अभी चलो, अपने पास तो टैग रिप्लिकेटर नहीं है, तो अपन फैब्रिकेटर में बना लेंगे टैग जनरेटर। सो कहाँ गया हमारा टैग जनरेटर, चलो आ जा। सो गाइस, फाइनली इसको अपन यहाँ पे बनाएंगे। एंड भाई साहब, पहले मैं सारा सामान ले आ जाता तो क्या दिक्कत था, मेरे को डबल आना पड़ा इधर। अभी हम लोगों को थोड़ा एलिमेंट चाहिए 50 और बहुत सारा ब्लैक पास, बहुत सारा होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि मैंने डंजन से बहुत सारा फार्म करके रखा है, मिला था फार्म कैसा करेंगे, वो बॉक्स से मिल गया। इजी पीजी गैस, ब्लैक फार्म में फार्म करना, अल्फा मोसा सोर्स और टूसू है, मारो, बहुत सारा ब्लैक फार्म मिल जाएगा। और भी गैस, मेटल इंगोट एंड प्लस पॉलीमर 500, चलो पॉलीमर मेरे पास है बहुत सारा। एंड अपन ने मेटल का भी जुगाड़ करके रखा, क्योंकि भाई मैं बहुत सारा मेटल को अपना पारा वाला क्या बोलो फार्म करके आई मीन एकदम मेटल इनगोट करके बना रखा, नो टेंशन, सो बना लेंगे। चलो यार, फटाफट सारा मेटल्स इनगोट ले आते हैं, क्योंकि वो अपना इंडस्ट्रियल फोज में है, बड़ा वाला फोज बोल सकते हैं। तो भाई साहब, यहाँ से थोड़ा सा क्राउच होकर जाना होगा, चलो इंडस्ट्रियल फोज से। अरे ज़्यादा नहीं है, मैं सोचा बहुत होगा, अरे जस्ट 4K है। बट कोई नहीं, आप सारा चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं फिर यहाँ से फैब्रिकेटर में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस आई होप हमने बहुत सारा ट्रांसफ़र कर लिया। चलो यार, बाकी थोड़ा सा यहाँ पे डाल देते हैं। एंड चलो, और ग्रेडिंग से अपन डालते हैं अपना फैब्रिकेटर पे। सो ओपन एंड यहाँ से शो हो जाएगा अपना फैब्रिकेटर शायद। अरे भाई हाँ, आ जा। हाँ चलो, अब सारा यहाँ से मेटल इनगोट ले लेते हैं और अपना फैब्रिकेटर में डालना शुरू करते हैं। चलो, अरे भाई शो हो जा। सो डाल दिया। मोमेंट्स लेटर, सो गाइस फाइनली अपन ने बहुत सारा डाल दिया। एंड आई होप अभी अपन का बन जाएगा। अभी जो उतरते हैं एंड चलो देखते हैं बनते हैं या नहीं। सो गाइस फाइनली अपन का टैग जनरेटर पहली बार बनेगा। सो गाइस, ये बनने में बहुत टाइम लेगा, 1 मिनट तक तो लेगा, चलो बनने दो। अपन वेट करते हैं हल्का सा, और क्या करें। सो गाइस, अब उनका जनरेटर अभी भी बन रहा है भाई, कितने टाइम से बन ही रहा भाई, बन जा जल्दी। रिप्लिकेटर में बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा तो लेट होगा, रिप्लिकेटर में बना था तो टैग, बट रिप्लिकेटर पर बीपी नहीं है अपन के पास। सो चलो फटाफट से, अभी बन गया भाई फाइनली। इतनी खुशी, फर्स्ट टाइम गैस मैंने सिंगल प्लेयर पर टैग जनरेटर बनाया। सो गैस, अभी इसको कहाँ प्लेस करूँगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एंड इसका रेंज रेंज बहुत होता है, बहुत ओपी होता है, हाई है, हाईएस्ट है, मीडियम है, लो है। सो मैं समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सोचा कि गैस इसको मैं यहाँ पे ही लगा देता हूँ और इससे बहुत मतलब अपना बेस लेके और बहुत प्लेस तक इसका पावर मिल जाएगा, क्योंकि अपन सामने वाला पे एक ब्रीडिंग रूम कभी ना कभी तो बना ही लेंगे। तो फिलहाल गैस क्या इसको यहाँ पे सेटअप करना सही रहेगा, देखो। अब इसको तोड़ेंगे तो भाई इसका इतने सारा सामान मेरे को हैंडल नहीं होगा, सो पहले तो ले लेते हैं। कैसे यहाँ पे लगा दे क्या, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। लेटर दैट सेम इवनिंग, छोड़ो यार गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहीं पे ही लगा देता हूँ एंड बाद में कभी दिक्कत होगा तो मतलब चेंज कर लेंगे। बट हाँ, अपना बेस पे एक ही टैग जेनी होगा, क्योंकि भाई इसके लिए बहुत खतरनाक रिसोर्स लगता है। और सिंगल प्लेयर पे ऐसे भी और क्या, जस्ट जो चीज़ बना दिया, कोई तोड़ने वाला भी नहीं होता। तो चलो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। एंड गाइस, इसका फ्यूल एलिमेंट होता है, सो आई होप 5 एलिमेंट्स से एक डेज आराम से चला जाता है। सो अभी सिंगल प्लेयर पे तो भाई कितने डेज जाएगा पता नहीं। सो गाइस, ये मिनिमम इसका रेंज है और इसका रेंज बहुत होता है, हाईएस्ट पे तो भाई खतरनाक होता है। एंड इसके शो अपन जनरेटर रेंज कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल अपन इसको तो अभी हाइड करके रखा है, अभी शो करके रखा है। तो इसका रेंज बहुत ही ओपी होता है। एंड चलो यार, थोड़ा इसका रेंज देख के आते हैं। अरे भाई, मैं तो इसको शायद हाइड कर दिया, चलो रुको ज़रा, पहले मेरे को इसको हाइट से हटाना है, मतलब हाइट करना है, हाइट से मतलब शो करना है। तो चलो शो कर देते हैं, शो, चलो मैं हाइट कर दिया था, लॉल। तो अभी शो हो जाएगा भाई, कितना है इसका हाई पे कितना है हाई पे। अरे भाई, हाई पे इतना ज़्यादा नहीं है भाई, हाई पे नहीं चलेगा भाई, मेरा फुल बेस कवर नहीं हुआ, पीछे से जा क्या फ़ायदा।
अरे भाई साहब, तो चलो यार गैस मैं इसको एकदम हाईएस्ट पे कर देता हूँ। फिलहाल मेरा बॉक कितने दूर तक आता है देखते हैं, नहीं तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, मतलब उसको मीडियल पे लगा दूंगा मेरा बेस का। चलो गैस अभी मैं देखता हूँ भाई, हाईएस्ट एकदम कर दिया सबसे हाईएस्ट। देखो गैस ये नहीं हुआ तो भाई वो मेरा जहाँ रखा मैं वहाँ पे लगा दूंगा, बट मेरे को फुल चाहिए मेरा बाइस का, ठीक है यहाँ पे लगा दूंगा, नहीं तो देखते हैं कितने दूर तक तो गया। अरे भाई साहब हाईएस्ट तो बहुत खतरनाक है। अरे भाई मेरा फुल बेस हो चुका है वहाँ से। ओ भाई ओपी गैस, चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं। देखो गैस कितने दूर तक, भाई ओपी गॉड लाइक है इसका ओपी वाला रेंज। ओ हाईएस्ट रेंज सबसे खतरनाक है, यहाँ तक आ गया इसका रेंज। अरे भाई मेरा फुल बेस एंड बेस के आउटसाइड आउटसाइड सारे इधर उधर, भाई कितने दूर तक इसका रेंज आ गया ओपी बोलते भाई। मैं तो पहले सोच रहा था कि इतना कम रेंज है कैसे चलेगा भाई, नै तो इसको यहाँ पे रहने तो कोई दिक्कत नहीं। एंड अभी अपना का कोई जनरेटर का ज़रूरत नहीं है, मतलब नॉर्मल वाला पावर जनरेटर का कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब इसका ऑफ कर देते हैं। ये फ्यूल मैं और कहीं पे प्लेस पे लगा सकता हूँ, तो एक देख सकते हो बस मेरा ये जो फ्रीज मीज है एंड लाइट वाइट है सारे चीज़ में पावर है इत टैक्सजेनी की मदद से, और अपन टैक्सजेनी यूज़ करेंगे और टैक्सजेनी से ज़्यादा एलिमेंट भी नहीं चाहिए होगा। चलो अभी फिलहाल गाइस वक्त आ चुका है वो टाइम पर अपन पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम ईरी थेरी पकड़ेंगे, वो भी सिंगल प्लेयर पे। देखो यार मल्टीप्लेयर पे हमने बहुत पकड़ा, बट सिंगल प्लेयर पे तो कभी नहीं पकड़े ना। सो गाइस इसके लिए कोई नहीं, अपन जो अभी एक्टिव डंजन है उसको जाके करा एंड उससे अपन को इंफ्लेम मिला, और इंफ्लेम चार्ज रिकवर करने में 20 एम्बर है, और 20 एम्बर अपन के पास इजी पीजी है। मैंने 2 बार मतलब 4 बार केव किया, 2 बार में मेरे को 10 मिल गया एम्बर, सो गया। देखो गाइस एड्स देखने में बहुत टाइम लगता है, इससे अच्छा तो भाई केव कर लेना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। हाँ अपना अनलिमिटेड एम्बर ले सकते हैं एड्स देख के, बट उससे अच्छा तो भाई जितने टाइम में ऐड का टाइम चेंज करेंगे ना, 2 बार केव भाई या 4 बार केव कर लेंगे तो मिल जाएगा। और एक ओपी ट्रिक है जिससे यार तुम केव एक बार ही करो और एक बार ही मिल जाए एम्बर्स, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ता है, कभी दिखा दूंगा नो टेंशन। सो अभी फिलहाल मैं यहाँ से अपना रैक्स हटा लेता हूँ, सिंगल प्लेयर के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। टेन एड्स देखने से अच्छा 10 एम्बर मिल जाए, तो चलो यहाँ पर रखते हैं। सो गाइस अब फाइनली अपन बुला लेते हैं अपना प्यारा सा थेरी को, मेरे पास और एक इम्प्लेंट है, बट चलो यार पता नहीं जो भी आए आने दो। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि यार मेरा जो ट्रैप्स है वो सही है क्या नहीं, ठीक है सही है, क्योंकि मैं कभी गलती से तोड़ दिया होता तो मतलब तोड़ा होता तो भाई निकल जाता ना, तो चलो यार इसको रिकॉल कर देते हैं। भाई 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 भागो 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 भाई, अभी आके मेरे को यहाँ पे पेल पाल देगा नहीं तो वो। तो आ चुका है गाइस भाई, बहुत कूल लग रहा है। एंड गाइस अभी तो फुल डे है, अभी अभी सुबह हुआ है, मतलब भाई हम लोगों को नाइट तक वेट करना पड़ेगा, ये कि अपन सो के इसका फूड जीरो करे ऐसा कुछ करना है। तो मैं सोच रहा हूँ सोने का क्या ज़रूरत है, ये थेरी है जस्ट नॉक करेंगे और एक ही मेगालोसोरस का केबल दे देंगे और इजी जो हो जाएगा, तो अपन वेट ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि गाइस फिलहाल अभी एकदम फुल टू फुल डे हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी यार ना सो सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। एंड जब तक अपन नाइट के लिए वेट करेंगे तब तक अपन इसको टेम भी कर लेंगे, तो सोचो नाइट के लिए जब तक वेट करेंगे उससे पहले ये अपन का टेम हो जाएगा। अभी भी गाइस देख सकते हो अपन का भाई अभी डे है एंड बहुत टाइम बाद हो चुका है, तो इससे पहले गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अपन इसको नॉक करके टेम ही कर लेते, क्योंकि जितने टाइम में नाइट होगा उतने टाइम में तो शायद ये टेम हो जाएगा और मैं इससे मज़ा भी ले सकूँ। सो बोलो अब इसको मार देते हैं, क्योंकि भाई मेरे को पता है तुम लोग बोलोगे भाई तू सो के क्यों इसका फूड लेवल जीरो नहीं किया, तो भाई कौन इतने टाइम तक वेट करेगा नाइट तक, नाइट वेट होने के लिए वेट करते करते भाई अपन इसको टेम ही कर लेते हैं। चलो अभी शुरू हो जाओ भाई मेरे भाई, भाई साहब चलो ये पटका, तो धे धनादन कैसे इसको मारते रहते और क्या, तादिंग करके धे धनादन चलो हेड पे हेड। सो फिलहाल आए हो पॉपी टीम हो जाएगा भाई, मर जा, अरे मर जा के बोल रहा हूँ ना, को जा मर जा तो कैसे चलेगा। अरे अरे भाग रहे भाई साहब, थेरी कहाँ भाग रहे हो तुम, मुझे अपने घर जाना है। ऐसे थोड़ी ना तुमको कहीं पे जाने देंगे, तुमको यहाँ पर ट्रैप करके रखा है हमने, तो चलो यार भाई इजी पीजी ना कुछ होगी। नो नहीं टीमिंग एफिशिएंसी मेरे को पूछा है, तो चलो गाइस अब फिलहाल इसको क्या करना है, जस्ट स्मूथिंग ब्लेम देना एक मेगालोसोरस केबल, एक क्या भाई तो करेंगे तो 3 आएगा।
सो फिलहाल अपन बाय कर लेते हैं मैग्लोसोरस का केवल, क्योंकि उससे स्पीड में एक ही खाएगा या टू खाएगा, एक ही खाएगा गाइस, इजी पीजी, ये पता ही है। क्योंकि हाँ ज़्यादातर डायनो है जो इजी पे एक ही केवल खाता है विथ स्मूथिंग ब्लेम, ठीक है। ज़्यादातर डायनो, एकदम ज़्यादातर डायनो तुम बोल सकते हो, वन स्मूथिंग ब्लेम और वन केवल खाता है टेमिंग पे, क्योंकि इजी पे मैक्स लेवल 30 होता है इसलिए। सो चलो अब इसके अंदर डाल देते हैं, और कुछ ही सेकंड वाइट तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि वन में गलत सुरस किबल खाएगा। सो हल्का सा वाइट कर लेते हैं और हो जाएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस देख सकते हो ये खाने मतलब हो जाएगा अभी, नो टेंशन, अभी भी फुल डे है। चुटकी में हो जा मेरी जान, कितना टाइम लगा गया। सो गाइस फाइनली अपने फाइनली फर्स्ट टाइम एक ही ढेरी पकड़ लिया जो सिंगल पेयर पे है। एंड गाइस देखा अभी भी नाइट नहीं हुआ, सो मैं इसलिए बोल रहा था कि नाइट होने तक वेट करेंगे कि अपन टेमिंग कर लेते हैं ना भाई। तो फिलहाल गाइस ये टेम हो चुका है, इसको अभी सैडल पहनाते हैं एंड अपन ट्रैप को नहीं तोड़ने वाले हैं, कि वो ट्रैप तोड़ के निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अपने पास से एक ओपी वाला क्वाड्रिल, वो भी सिंगल पेयर पर, वो भी ईरी क्वाड्रिल। सो निकल लेते हैं फटाक से अपना, ये कहाँ गया फेरी को, चलो यार यहाँ से पिकअप कर लेते हैं और निकल लेते हैं, और ट्रैप का तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं जब तक खतरनाक वाला अपना वर्जल है, तो देर किस बात की। तो चलो अब इससे थोड़ा सा मजा लिया जाए अपना थेरी से। तो थेरी का नाम मेरे को भूल के जेनो रखने के लिए बोल रहा था, तो चलो यार एक रख देंगे। एंड किसी को और भी ओपी ओपी नाम हो तो जरूर बताना, मैं रखने का जरूर ट्राई करूँगा जिसको मोर को पसंद आया। तो सो गाइस जो कलर तो कूल लग रहा है, और फाइनली मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम पकड़ा ईरी थेरी इन सिंगल प्लेयर। सो गाइस सिंगल प्लेयर पर ऐसे ही पकड़ना पड़ता है, क्योंकि सिंगल प्लेयर पे सर्वरों की तरह स्पॉन नहीं होता ईरी चीज़, एक इसका आसानी तरीका है डंजन से इंप्लेंट लेके ही टेम करना ईरी चीज़ है। सो गाइस आई होप तुम लोगों को पसंद आया, मिलते हैं नेक्स्ट और एक एपिसोड के साथ, बाय।